हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नितिका नेशन। मैं नितिका एक बार फिर से अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ये न्यू ईयर हम सब के लिए बहुत बहुत सक्सेसफुल और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आए। प्रेजेंटली आई एम देयर इन सोलन और मैं आपको अभी सुबह का नज़ारा दिखा रही हूँ। सोलन में बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है बादल और पहाड़ आपस में बातें कर रहे हैं। और टेम्परेचर अभी 2 डिग्री है और बहुत ज़्यादा चिल हो रहा है। मेरे हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं इस टाइम पे। और बस अभी मैं रुकी हूँ, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ। चतोली मंदिर के लिए हम लोग निकले हैं, जो कि सोलन से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें 15-20 मिनट हाथी लग जाएंगे पहुँचने में। बट मैं तो रुकी हूँ बीच में कि क्यों इतनी जल्दी जल्दी जाएं, हम थोड़ा मज़े करें बीच पे। तो आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर हमें चीड़ के पेड़ बहुत सारे मिले और यहाँ पर चीड़ के साथ साथ कैक्टस का भी प्लांट है। कितने बड़े बड़े कैक्टस के हैं। मैं ऐसे ढूंढ रही हूँ कि मुझे चीड़ के पेड़ का जो एक फ्लैट टाइप होता है ना, वुडन सा कुछ, तो मैं ढूंढ रही हूँ जो डेकोरेशन के लिए ले जाऊं और फिर उसे डेकोरेट करूं। बहुत ही प्रिटी लगता है वो। और बीच में काफी झाड़ियां भी हैं। जो लोग रहते हैं पहाड़ों पर वो तो स्वर्ग में रहते हैं, और जो लोग मेरी तरह शहरों में रहते हैं उन्होंने इस नज़ारे को ज़रूर मिस किया होगा, स्पेशली इन लॉकडाउन। लश ग्रीन ट्रीज़, इतना खूबसूरत माहौल, इतना ठंडक है यहाँ पे, वेदर इतना अच्छा है, मतलब मज़ा ही आ गया यहाँ पर तो आकर। वॉक करते हुए पूरे रास्ता कवर करने वाली हूँ। चतोली शिव मंदिर जाने के 2 वेज हैं। एक आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं, ये 108 सीढ़ियाँ हैं। और अगर आप वॉक नहीं करना चाहते या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सीधी रोड आती है यहाँ पर, वो भी मैंने वे दिखाया है। तो आप सीधी रोड से आप सीधा चतोली मंदिर के बाहर मेन गेट पर लैंड करेंगे। तो मैं आपको भी बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट दिखा रही हूँ। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक करना, बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। और ये एक तरीके का थ्रिलिंग भी हो गया कि मैं स्टेयर से चलती हुई आ रही हूँ, 108 सीढ़ियाँ हैं और ऐसा लग रहा है कि शिव भगवान मेरे साथ साथ ही हैं।
तो आइए चलते हैं आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर सर्च किया था कि सीढ़ियों से वे है, तो मुझे थोड़ा डर भी लगा था कि फॉरेस्ट के एक तरीके से बीच में से हम लोग चल के जाएंगे तो कोई जानवर ना जाए, बट नहीं, बिल्कुल सेफ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोड भी जाती है, तो जहाँ वो गाड़ी आपको दिख रही है वही रोड है। यस, आई थिंक अब हमारी स्टेयर्स अब कंप्लीट हो चुकी हैं और शिव जी की तस्वीर भी दिख रही है। ये रहा मेन गेट। ये एक बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के पत्थरों को थपथपाने पर डमरू जैसी आवाज़ आती है। ओरिजिनली ये शिव भगवान का मंदिर है और ऐसा भी दावा किया जाता है कि ये एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 111 फुट है। बिल्कुल बीचों बीच बसा है ये। चारों तरफ हमें हरियाली और पहाड़ दिखेंगे और बीच में ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल मंदिर। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यूजुअल मेरा कैमरामैन, मेरा भाई मेरे साथ है। गाड़ी उसने पार्क की और बड़े स्टाइल वे में बाहर निकला है। अब हम दोनों जा रहे हैं ऊपर की ओर, मंदिर में जा रहे हैं अब हम। हम लोग वो वहां से आए, वहीं पर ही साथ में सीढ़ियां हैं और साथ साथ में रोड का भी वे है। तो ऐसा पौराणिक काल के अनुसार कहा जाता है कि शिव भगवान यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे और उसके बाद कृष्णानंद परमहंस बाबा नाम के एक व्यक्ति यहाँ पर आए और उन्होंने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया। फिर उनकी समाधि लेने के बाद भी ये काम नहीं रुका और करीबन 40 साल लग गए इस अद्भुत मंदिर को बनाने में। इसके बिल्कुल ऊपर आप लोग देखेंगे कि 11 फुट ऊंचा गोल्ड का कलश बना हुआ है, जो कि इस मंदिर को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। इसका पैटर्न बिल्कुल साउथ पैटर्न में बना हुआ है, मतलब ऐसे मैंने तो बिल्कुल भी नहीं देखे, ना मैं साउथ की साइड अभी तक गई हूँ। तो ये पैटर्न जो बना है, इसकी आर्किटेक्चर, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और ये बिल्कुल साउथ पैटर्न में बना हुआ है और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच। Thank you.
इतना जबरदस्त डिजाइनिंग की हुई है इस पे, मतलब मैंने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं है। और ये मंदिर है अंदर, अभी आगे फोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं तक आपको दिखा पाऊंगी। अभी काफ़ी सारे इसके अंदर मंदिर बंद है, बहुत सारे देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्ति है। और अंदर जो मैं भी वहाँ मंदिर में गई थी, तो वहाँ माता पार्वती और शिव भगवान जी की मूर्ति है। सो आई होप आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, डू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय टाइमली नोटिफिकेशन। और यहाँ पर एक चीज आपको मैं और बता दूँ, मंदिर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ओपन है और हर यात्री को 5-5 मिनट मिल रहे हैं। अभी तो मैं यहाँ पर अकेली हूँ, सुबह का टाइम है, अच्छा है सुबह के टाइम में आई हूँ, तो मुझे यहाँ पर अभी कोई भीड़, और इनफैक्ट हम ही लोग हैं, मैं और मेरा भाई ही है अभी। तो अगर आप लोग आए तो आपको खुले यहाँ दर्शन होंगे और 5-5 मिनट हर यात्री को मिल रहे हैं। Thank you for watching and giving me your precious time.